सुनिए जी, मरकज एक केवल हॉल के अंदर था जी। वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह, नहीं इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में वो सब सोए पड़े हुए थे, और एक से एक चिपका हुआ था। रजाई भी न जाने कितनों ने रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। हमारे यहाँ एक कुंभ है, यहाँ लगभग 16 घाट हैं, और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है। तो कई घाट तो आपका स्वर्गाश्रम और त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला यहाँ तक है, और हरिद्वार के पूरे आपका सारा न जाने कितने 16 घाट ऐसे हैं। तो यदि वो इसका फैलाव किया जाए तो एक जगह नहीं, इतने घाटों में सब लोग स्नान कर रहे हैं, और पाटों में कर रहे हैं, कोई सुबह आ रहा है, कोई दिन में है। अब जो अखाड़ों की भी इस तरह की वो निकली है, तो वो उनको समय कौन किया है? एक जब पेशवाई निकल गई, दूसरी पेशवाई आएगी अखाड़ों की, फिर तीस जब वो निकल गई तब तीसरी पेशवाई आई, फिर चौथी पेशवाई, ऐसे लगभग उनके भी 15-16 पेशवाई निकली है। तो उनको समय सीमा में बांधा है, तो इनको इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उससे नापना तोड़ना ठीक नहीं है। वो एक केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे, और यहाँ तो फैला हुआ है, खुले में है, यहाँ ओपन है, और गंगा के पास है, माँ गंगा का है, अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये गलती होना नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय उठता है ना। नमस्कार, धन्यवाद, जय।